हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अगेन न्यूड के गोट मिल्क रेंज का रिव्यू। ओके, सो आज मैं शेयर करने वाली हूं न्यूड के हे के रेंज का रिव्यू। ओके, इससे पहले भी मैंने इसके हे के रेंज का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इससे पहले वाले वीडियो में कि मैंने इनको फिर से लिया है, क्योंकि अभी विंटर्स है तो विंटर्स के अकॉर्डिंग जो मेरी हेयर टेक्स्चर है या मेरे बाल जैसे रफ एंड ड्राई हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ये गोट मिल्क रेंज ज़्यादा बेस्ट लगी, एंड इसलिए मैंने इनको वापस ले लिया। एंड मैंने इनके स्किन केयर जो है प्रोडक्ट्स वो भी ट्राई किए हैं, फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र जो कि लोशन है, एंड वो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं। नाउ मैंने इनके हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी ले लिए हैं। सो इसमें शैम्पू एंड कंडीशनर है जो कि गोट मिल्क बेस्ड है। सो अगर बात करो मेरे बालों की, तो मेरे बाल विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, एंड साथ ही साथ में डैंड्रफ की प्रॉब्लम मुझे बहुत हो जाती है। सो इसीलिए थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि गोट मिल्क रेंज बेस्ट रहेगी मेरे हेयर टेक्स्चर जो कि अभी ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से रफ एंड फ्रिजी हो चुके हैं। सो जो गोट मिल्क होता है गाइस वो बहुत अच्छा रहता है, एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है आपके बालों को, साथ ही साथ में आपके बालों को क्लीन भी करता है। सो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं इसकी पैकेजिंग। तो ये आपको इस तरीके से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होती है जो कि बहुत ही लग्जूरियस लगती है, एंड जो न्यूड के प्रोडक्ट्स है गाइस वो प्रीमियम क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट्स रिसीव करवाते हैं, एंड साथ ही साथ में आप देखेंगे तो आपको प्रीमियम फील भी देते हैं। शैम्पू कुछ इस तरीके से आपको रिसीव होता है, एंड गोट मिल्क रेंज में जितने भी प्रोडक्ट्स आपको रिसीव होते हैं, चार प्रोडक्ट्स आपको रिसीव होते हैं, तो चारों के चारों प्रोडक्ट्स आपको सेम ही रिसीव होंगे। जो इनका फेस वॉश या जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, फेस लोशन, आपको सेम ही पैकेजिंग में रिसीव होता है, एंड इसी के साथ में जो इनका कंडीशनर है वो भी आपको सिमिलर सेम पैकेजिंग में रिसीव होता है। कुछ इस तरीके से देखा जाए तो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एंड साथ ही साथ में इसमें आपको गाइस पाउच भी रिसीव होती है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको लेके जा सकते हैं इजीली। अगर आप इसका फुल डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। शैम्पू एंड कंडीशनर आपको कुछ इस तरीके से पंप पैकेजिंग में रिसीव होते हैं, एंड इसकी एक अच्छी बात ये है अगर आप इनको लेके ट्रैवल करते हैं तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं लेके। इसके साथ आपको इस तरीके से स्टॉपर मिल जाता है जिसे आप लॉक कीजिए, एंड देन ये बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। तो आप अपना प्रोडक्ट बैग में लेके जाते हैं तो वो लीक प्रूफ रहता है, एंड जैसे आप इसे ओपन करते हैं देन इस तरीके से इसे मूव कीजिए, लाइक डबल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, डबल लॉक है। सो इस तरीके से करेंगे तो प्रोडक्ट आपका बाहर आ जाता है, एंड देन इसको लॉक कीजिए, स्टॉपर की हेल्प से इसे इस तरीके से स्टॉप कर दीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग है, एंड गोट मिल्क में पाया जाता है AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसमें एक नेचुरल एक्सफोलिएशन पाया जाता है जो हमारे जो स्किन होती है, स्कैल्प होती है, उसको नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, जिससे हमारी जो डेड स्किन सेल्स होती है वो ईजिली रिमूव हो जाती है नेचुरल प्रोसेस से। एंड साथ ही साथ में गोट मिल्क में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या आपको बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम रहती है तो उसको भी ये क्योर करने में हेल्प करता है, आपके बालों को नेचुरली शाइनी बनाने में भी हेल्प करता है। सो कई जो शैम्पू है इसमें आपको गोट मिल्क के अलावा भी और इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। इसमें गोट मिल्क का यूज़ किया गया, इसमें फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया गया, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया, साथ ही साथ में इसमें यूज़ किया गया ग्लिसरीन का। एंड जो कंडीशनर है इसमें भी आपको और इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस मिल जाती है, इसमें गोट मिल्क का यूज़ किया गया, सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया गया, मैकेडामिया सीड्स का ऑयल यूज़ किया गया, साथ ही साथ में इसमें विटामिन ई का यूज़ किया गया है, एंड ग्लिसरीन का यूज़ किया गया है। सो आप देख सकते हैं इसमें गोट मिल्क के अलावा भी और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंड जो इसमें यूज़ किया गया फेनुग्रीक सीड, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट आपके बालों को शाइनी बनाने में हेल्प करते हैं। शैम्पू का जो टेक्सचर है इसे थोड़ा सा सिल्की है, साथ ही साथ में थोड़ा सा रनी काइंड ऑफ है, बट ये बहुत ही इजीली लेदर करता है, एंड साथ ही साथ में आपके बालों को क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर देखा जाए तो ये जो शैम्पू है गाइस ये आपकी अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में आपके बालों को इस तरीके से क्लीन करता है जिससे आपके नेचुरल ऑयल्स मेंटेन रहते हैं। एंड जो गोट मिल्क होता है गाइस वो आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं, तो ये आपके स्कैल्प को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है, साथ ही साथ में बहुत इजीली क्लीन कर देता है। एंड इसी के साथ में जो कंडीशनर है गाइस इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ही क्रीमी है, तो बहुत ही अच्छे से आप इसे अप्लाई करते हैं, एंड गीले बालों में जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है। साथ ही साथ में इसकी एक अच्छी बात ये है जब आप इसे वॉश करते हैं तो बहुत ही ईजिली ये वॉश हो जाता है, एंड आफ्टर रिजल्ट जब आप देखेंगे गाइस आपके बाल इतने ज़्यादा स्मूद एंड सिल्की नज़र आएंगे कि आप उसको बार बार टच करने का आपको मन होगा। एंड इसी के साथ में अगर देखा जाए तो अगर आपके जो एंड्स से बहुत ज़्यादा ड्राई है, सुपर ड्राई है, जैसे मुझे मेरे एंड्स पे बहुत ज़्यादा ही स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम रहती है,
तो मैं इसको जब अप्लाई करती हूँ ना तो मुझे मेरे बाल एकदम मैनेजेबल नज़र आते हैं एंड बिल्कुल भी चिपकू चिपकू नहीं लगते हैं कि बहुत ही चिपक से गए हैं। बहुत बार होता है कि हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो बाल बहुत ही चिपकू चिपकू से लगते हैं जिससे अच्छा नहीं लगता है, बट ये आपके बालों को बहुत ही मेंटेन करके रखता है। एक हाइड्रेशन लेवल भी आपको मिलती है, साथ ही साथ में आपके बाल बहुत ही शाइनी भी नज़र आते हैं एंड इसी के साथ में आपके बालों में बहुत अच्छा बाउंस भी क्रिएट होता है एंड एक जो नेचुरल शाइन होती है गाइस वो बहुत अच्छी लगती है। सो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है गाइस ये गोट मिल्क बेस्ड है एंड साथ ही साथ में विंटर्स में हमारे बाल कितने अजीब से हो जाते हैं, फ्रिजी ड्राई रफ हो जाते हैं एंड साथ ही साथ में डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो बहुत खतरनाक होती है। तो वो चीज़ होती है, अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इनके गोट मिल्क रेंज को ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ में एक अच्छी बात ये है, न्यूट के जो प्रोडक्ट्स है गाइस वो हार्मफुल टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं एंड ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है गाइस इसमें सल्फेट एंड पैराबेन का यूज़ नहीं किया गया है, आपके बालों के लिए सेफ है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ में आप इनको न्यूट की साइट से भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड या शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।